नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास में कई ऐसे कमेंट आते हैं, कई बहुत सारे मेल आते हैं कि सर हमें कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए, नुस्खा बता दीजिए या फिर कोई आयुर्वेदिक औषधि बता दीजिए जिसके माध्यम से हम अपनी मर्दाना ताकत को, जो कि बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, जैसे कि हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, एक लंबे समय तक खुशी का एहसास नहीं करवा पाते, हमारा वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है, धातु रोग, शीघ्र पतन जैसे कई प्रॉब्लम्स हो चुकी है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। आज आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे बताए अनुसार रोजाना इसका शाम को सोते समय सिर्फ एक चम्मच इस्तेमाल करना है, अगर आप इसका एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कैसी भी किसी भी तरह की कमजोरी हो, यौन समस्या हो या फिर सेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होकर के आपकी बॉडी में सांड जैसी ताकत और घोड़े जैसा पावर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी भी एक भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो प्लीज आप इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुने, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज की आयुर्वेदिक औषधि है गोखरू, जो कि सभी प्रकार की या किसी भी प्रकार की यौन समस्या हो, अगर उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो यह सभी प्रकार की यौन समस्याओं को दूर करके शरीर को एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, शरीर को ताकत देता है, पावर देता है, शक्ति देता है, जिससे कि आप अपने पार्टनर को एक बहुत ही लंबे समय तक एक खुशी का एहसास करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन कौन सी समस्याओं में इस गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं और किस तरह से आपको इसकी खुराक लेनी है। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूं कि आप कौन कौन सी समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों, देखिए शीघ्र पतन की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसमें होता क्या है कि जैसे ही आप अपने पार्टनर के संपर्क में जाते हैं तो आपका वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, साथ ही साथ आप में बिल्कुल मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों के वीर्य में पतलापन आ जाता है, स्वयंपन दोष की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, और भी बहुत सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे नपुंसकता आ जाना, नामर्दानगी आ जाना। आप इन सभी समस्याओं में इस गोखरू आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अब आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से आपको इस औषधि को तैयार करना है। दोस्तों इस औषधि को तैयार करने के लिए आपको लगभग 100 ग्राम गोखरू, जैसा कि वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपको ले लेना है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या फिर जो लोग गांव में रहते हैं वो किसी भी गांव के बाहर जो खाली जगह होती है उनको आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। 100 ग्राम गोखरू को लेकर के आप घर पे लेके आ जाएगा। आपको इसका चूर्ण नहीं लेना है, आपको ऐसे जैसे आप ये देख रहे हैं ना कांटे से, आपको इसी तरह से गोखरू लेना है पंसारी की दुकान से। इसे घर पर ला करके आपको दोस्तों पत्थर का जो हमाम दस्ता होता है ना, जिसमें माता बहने मसाला आदि कूटती रहती है, वो वाले उस वाले पत्थर के हमाम दस्ते में आपको इन्हें कूट करके बिल्कुल चूरन बना लेना है, और चूरन बन जाए तो दोस्तों आपको इसे छान करके किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल करके रख देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, रात को सोने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले और खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद में आपको इस गोखरू पाउडर का 1 चम्मच लेना है, और आपको उसमें 1 गिलास दूध में आपको मिला करके मिक्स करके इसे पी जाना है। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पहले 1 चम्मच गोखरू की फांक लीजिए, उसे खा लीजिए, उसके बाद में आप ऊपर से 1 गिलास दूध का अवश्य रूप से नित्य रूप से सेवन करें। अगर दोस्तों आप इस आयुर्वेदिक नुस्खे को 1-2-3 दिन के लिए कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला, क्योंकि दोस्तों ये आयुर्वेदिक औषधियां होती है ना, ये एक आप 30 से 35 दिन तक या फिर इससे भी ज्यादा समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत ही ढेर सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, साथ ही आपको स्थायी रूप से समाधान मिल जाता है। अगर आप अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं तो आप इस नुस्खे को 30 से 35 दिन तक अवश्य रूप से नियमित रूप से एक भी दिन मिस ना करते हुए आप इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। दोस्तों आप देखोगे कि 15 दिन के बाद ही आपकी बॉडी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, चाहे से शीघ्र पतन की समस्या हो, चाहे से कोई भी किसी भी तरह की यौन समस्या हो, आप उनसे बहुत ही जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।